देखो इस पोर्शन में अपने सारे साइंटिस्ट भी कवर हो जाएंगे और अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है चैप्टर का वो भी अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर्ड की, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइव सेल किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। यहां पे डिफरेंस समझना, फर्स्ट सेल का अगर क्वेश्चन आए तो रॉबर्ट हुक आंसर जाएगा और फर्स्ट लाइव यानी पहली जिंदा सेल तो आंसर क्या जाएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब यहां पे दो साइंटिस्ट आते हैं, शेल्डन एंड शॉन, ठीक है, शेल्डन एंड शॉन। अब एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो शेल्डन था वो एक बॉटनिस्ट था और जो शॉन था वो जूलॉजिस्ट था, ठीक है। यहां पे फर्क समझना, शेल्डन बॉटनिस्ट, शॉन जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, शेल्डन एंड शॉन ने मिलके क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलके बना है, ठीक है। पर इनकी थ्योरी में एक दिक्कत थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, बट ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो बनती कैसे है, मतलब आई कहां से सेल, ठीक है। अब आगे इसमें बात करेंगे जहां पे ये बातें अपनी क्लियर हो जाएंगी। देखो एक यहां पे है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दी शेल्डन प्लस शॉन दोनों ने। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेल हाइपोथेसिस दिया वो किसने दिया, खाली शॉन, अकेले शॉन ने, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी दी, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, बट ये नहीं बता पाए कि ये सेल जो है वो आती कैसे है। तो इसकी इंप्रूवमेंट की किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। मतलब नई सेल बनेंगी वो पुरानी सेल से ही बनेंगी, है ना, डिवाइड करके ही तो बनती है। तो इसने ये बताया इसमें, ठीक है, इसने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया रुडोल्फ वर्चो ने, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में क्या कौन से साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने क्या किया, फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, ये हम आगे भी कर लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। नेक्स्ट क्या, कैमिलो गोल्जी, नाम से ही पता लग रहा है, गोल्जी मतलब इसने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपने मेन चैप्टर की तरफ, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, सेल, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लगा लो, ये डाटा लगा लो या फैक्चुअल लगा लो, ये एनसीईआरटी में अपना पूरा दिया हुआ है, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओस्टिक एग, है ना, शतुर्मुर्ग का अंडा, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल, ठीक है। और सेल का, बैक्टीरिया की सेल का साइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर, याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरियल सेल का कितना, लेंथ दी हुई है, बैक्टीरिया की सेल की लेंथ दी हुई है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और ह्यूमन आरबीसी की सेल की जो लेंथ है या साइज बोल लो कितना दिया हुआ है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो सेल की शेप होती है ना वो अलग अलग होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनके फंक्शन डिफरेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है मान लो अब्सॉर्प्शन कर रही है, तो उसकी अब्सॉर्प्शन के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाएगी। कोई सेल है जो सिक्रीशन कर रही है, तो सिक्रीशन के बेस पे उसकी सेल क्या है, मॉडिफाई होती रहेगी। तो इस तरीके से है ना, जैसा उसका फंक्शन है उसी तरीके से उसकी शेप हो जाती है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगी, यूकेरियोटिक सेल हो जाएगी, और सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो तो वह कैसी सेल हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने 5 किंगडम किए थे, 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखो किंगडम मोनेरा जो होता है वो कहां पे आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा, और बाकी के जो किंगडम बचे, फंजाई, प्रोटेस्टा, एनिमल, प्लांट्स, वो सब किस में आ जाएंगे, यूकेरियोटिक सेल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, है ना, इस वीडियो में, ये पार्ट वन है वीडियो, इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपनी प्रोकैरियोटिक सेल, और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें हम करेंगे पार्ट 2 में यूकेरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोट्स में हमने बात की, क्या आता है, किंगडम मोनेरा आता है ना, और मोनेरा किंगडम में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, और पीपीएलओ क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब मोनेरा में आता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें शेप दी हुई है, बैक्टीरिया कौन सी शेप होती है, कोकस स्फेरिकल होती है, विब्रियो
कोमा शेप, बेसिलस रोड लाइक और स्पाइरलम स्पाइरल होती है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो तो वो कैसा हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा ना, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कैसा हो गया, जेनेटिक मटेरियल नेकेड हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमने बात की कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल बोलो डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक या जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बट बैक्टीरिया में इसके अलावा जीनोमिक डीएनए के अलावा भी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए है, नेक्ड डीएनए है, और ये क्या है कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखो जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में और भी डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड कैसा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए है, नेक्ड डीएनए है, और ये कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में। ठीक है, देखो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो होता है वो ट्राइलेयर्ड होता है। ट्राइलेयर्ड मतलब तीन लेयर, आउटर, मिडल, इनर। आउटर कौन सी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल कौन सी होगी, सेल वॉल। और इनर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा हुआ है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज भी हो सकती है और थिक एंड टफ भी हो सकती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज शीथ की तरह भी हो सकती है और वो थिक एंड टफ भी हो सकती है। तो लूज जब होगी तो उसको बोल देंगे स्लाइम लेयर, है ना, नाम से पता लग रहा है स्लाइमी सी है, लूज है, और थिक एंड टफ है मतलब वो कैप्सूल जैसी होगी, कैप्सूल हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिस्पोंड करेंगे वो हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो रिस्पोंड नहीं करेंगे वो हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल सी बात। नेक्स्ट है मीजोसोम्स, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो मीजोसोम्स क्या होते हैं, देखो इसको सिंपल तरीके से समझो, सबसे इनर जो लेयर थी, सबसे इनर जो सेल एनवेलप में लेयर थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ अगर एक्सटेंड कर दे, है ना, एक तरह से इनफोल्डिंग्स बना दे, एक्सटेंड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कदर साइटोप्लाज्म की साइड। ठीक है, अब ये किस फॉर्म्स में हो सकती है, वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, ये लैमेला की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और ये क्या करती है, देखो इनफोल्डिंग से एक्सटेंशन हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और इनका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। ठीक है, अब मीजोसोम्स के बाद एक चीज आती है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्रोमेटोफोर्स सिर्फ कहां प्रेजेंट है, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स कहां प्रेजेंट है, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, C4 क्रोमेटोफोर, C4 साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मतलब बोल सकते हैं कि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, बट कहां पे प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर। देखो इसमें अपने कानों को बिल्कुल खोल लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इससे लास्ट तक हम इस कंफ्यूजन से निकल ही नहीं पाते। ठीक है, देखो बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर तीन टाइप की हो सकती है, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। ठीक है, बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर तीन टाइप की, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर हम 15, 30, 40, 50 स्टार लगा लेंगे। देखो अगर मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ और
सिर्फ फ्लैजिला ऐसी है जो मूवमेंट में काम आती है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ऐसी है जो मूवमेंट में काम आती है, और पिलाई और फिम्ब्रियाई किस काम आएंगी, अटैचमेंट के काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट के साथ चिपकना है तो किसका यूज करेगा, पिलाई या फिम्ब्रियाई का, है ना, सरफेस अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। और पिलाई नाम से ही पता लग रहा है कौन से प्रोटीन से मिले हैं, पाइलिन प्रोटीन से, है ना, पिलाइन प्रोटीन से, कुछ भी बोलो, पाइलिन पिलाइन जो भी। ठीक है, और फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर, एफ फॉर फिम्ब्रियाई, एफ फॉर फाइबर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब यहां प्रोकैरियोट में राइबोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो पहली लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखेंगे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और किस टाइप का होता है, 70S होता है, और 70S किससे मिलके बना है, 50S प्लस 30S से मिलता है। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में हमें पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर बनती है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, ये क्या होती है, देखो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम का गठबंधन का बोलते हैं पॉलीराइबोसोम पॉलीजोम। इसके बारे में अभी ध्यान मत दो, जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जेनेटिक वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। यहाँ पे इतना याद रखो कि राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए के जो एसोसिएशन या गठबंधन को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोल रहे थे, बाकी ये जेनेटिक में अपना अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब राइबोसोम के बाद देखो इंक्लूजन बॉडी दी हुई है, इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल जो होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, इंक्लूजन बॉडी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है किस रूप में, इंक्लूजन बॉडी के रूप में। ठीक है, और ये कौन से दिए हुए हैं, कैसे ग्रैनुल दिए हैं, एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है। इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल्स में बोलो या तो, है ना, फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफेशियन ग्रैनुल्स और ग्लाइको जन ग्रैनुल्स। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक बेसिक कंफ्यूजन से निकल लेते हैं ताकि हमको ये चीज बार बार परेशान ना करे। ठीक है, देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिनके बाहर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, कौन सी है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। अब इनको छोड़ के जो भी सेल में स्ट्रक्चर बची, ऑर्गेनली बची, सभी की सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये कैसी है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, पूरे तरीके से एनसीईआरटी के फ्लो में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने ह्यूमन रेड ब्लड सेल की स्टडी की है, और हम उसी की सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके से, एक बोल सकते हैं एक मॉडल के तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स भी कौन से, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और क्या, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो वहां पे परसेंटेज दी हुई है प्रोटीन और लिपिड की, कि एरिथ्रोसाइट यानी ह्यूमन रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है वो 52% और लिपिड कितने हैं, 40%, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बिल्कुल क्लियरली समझते हैं, और एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है वो सारा अपना इस डायग्राम से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब यहां पे देख लो प्रोटीन कहां पे, देखो ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल है, देखो यहां भी एक इंटीग्रल दिख रहा है, यहां भी एक इंटीग्रल दिख रहा है, और ये क्या है, अपने पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की साइड है, तो नाम से ही कवर हो रहा है, पेरिफेरल मतलब जो बाहर की साइड है, और इंटीग्रल मतलब जो अंदर लगे हुए हैं, बिल्कुल अंदर उसके। ठीक है, तो प्रोटीन्स यहीं पे मैं
क्लियर कर रहा हूं, प्रोटीन से कितने टाइप के हुए, दो टाइप के, पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल कैसे होंगे, ऑन दी सरफेस, देखो जो सरफेस पे लगे हुए हैं, जो सरफेस पे लगे हुए हैं। और इंटीग्रल कौन से होंगे, जो अंदर हैं, जो बिल्कुल अंदर गड़े हुए हैं, ठीक है। और इंटीग्रल भी अब यहां पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टोटली बरीड, एक पार्शियली बरीड। मतलब एक तो जो कंप्लीट टोटली मतलब बिल्कुल टोटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए, और एक पार्शियली मतलब थोड़े थोड़े गड़े हुए। बिल्कुल क्लियर बात है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स भी कैसे, फॉस्फोलिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मतलब दो लेयर्स होती है, देखो एक तो ये वाली लेयर है, एक तो ये वाली लेयर है, और दूसरी क्या है, ये वाली लेयर है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तो ये वाली लेयर है और दूसरी ये वाली लेयर है, ठीक है। देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो ये एक ऐसे गोला गोला सा है, फिर नीचे उसके दो पैर हैं, गोला गोला सा नीचे दो पैर, गोला गोला सा नीचे दो पैर। और इधर भी दूसरी लेयर में भी सेम, ये गोला गोला सा है नीचे दो पैर, ये गोला गोला सा है नीचे दो पैर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो ये मैंने गोला गोला बोल रहा हूं, ये क्या है, इसका हेड है, और नीचे ये क्या है, इसकी टेल है, ठीक है। ये है हेड और ये क्या निकली हुई है, इसकी टेल, इसकी टेल। अब देखो देखने से ही पता लग रहा है कि जो हेड है वो कहां है, आउटर साइड। यहां पे भी देख लो, हेड जो है वो है आउटर साइड, और जो टेल है वो क्या है, इनर साइड। मेम्ब्रेन के इनर साइड क्या है, टेल, और आउटर साइड क्या है, हेड, ठीक है। देखो अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो हमें पता है कि सेल में क्या होता है, मैक्सिमम पानी भरा होता है, इधर पानी पानी पानी, एक्वेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, हमने की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और बाइलेयर में भी हमने क्या किया, जो हेड होगा वो आउटर साइड होगा और जो टेल होंगी वो इनर साइड होगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक्वेस एनवायरनमेंट है चारों तरफ, ठीक है। अब देखो हेड जो होता है वो क्या है, वो एक्वेस एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा है हेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हेड कैसा होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। फिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, क्योंकि ये आउटर साइड है, पानी से डील कर रहा है, तो ये हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। और टेल कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक है ना, और इसीलिए इसीलिए हम टेल को अंदर की साइड रखते हैं, क्योंकि हमें इसे पानी से बचाना है, क्योंकि ये बेचारी जो टेल बेचारी है वो पानी से डरती है, यानी हाइड्रोफोबिक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको एक्वेस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए अंदर की साइड रख दिया, और जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी से प्यार करता है, तो पानी से इजीली डील कर सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये बातें, है ना। अब नेक्स्ट देखो, लिपिड भी अपना कवर है। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कहां प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट है शुगर, ये प्रेजेंट है, ये शुगर प्रेजेंट है, ये शुगर, ये शुगर, 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 ये क्या है, सारी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो वैसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ऐसा कुछ बचा नहीं है, बस सिंपल सिंपल सी कॉमन सेंस की बातें हैं। देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया, 1972 में दिया। नेक्स्ट है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इस लाइन को समझते हैं। देखो ये हमने क्या किया, इसमें क्या है, ये लिपिड की लेयर है, ये सारा क्या है, लिपिड की लेयर है, और लिपिड का नेचर क्या बताया हुआ है, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है कि सेमी फ्लूइड बोल लो या पार्शियली फ्लूइड बोल लो, है ना। ये जो लिपिड की बाइलेयर है ये कैसी है, फ्लूइड है, फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड का फायदा क्या होगा, इस फ्लूइड होने का फायदा क्या होगा, कि जो इसमें प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये इस फ्लूइड में मूवमेंट कर सकते हैं। देखो अगर ये लिपिड की मेम्ब्रेन, ये लिपिड की बाइलेयर क्या पूरी सॉलिड हो जाए, तो ये प्रोटीन क्या है, यहां पे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। पर ये अगर फ्लूइड है, थोड़ी फ्लूइडिक है, क्वासी फ्लूइड यानी थोड़ी थोड़ी फ्लूइड है, तो ये प्रोटीन क्या है, इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इस टर्म को फ्लूइडिटी, एक टर्म यूज की है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट फ्लूइडिटी। मतलब सिंपल है कि ये प्रोटीन इसमें कितना मूवमेंट कर सकते हैं ना, ये जो फ्लूइड वाली अपनी लेयर है इसमें ये कितना मूवमेंट कर सकते हैं, उस एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को क्या बोला गया है, फ्लूइडिटी बोला गया है। बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये लिपिड ने क्या किया था, यहां पे फ्लूइड प्रोवाइड किया था, फ्लूइड नेचर, और फ्लूइड नेचर में ये प्रोटीन मूवमेंट कर रहे थे, तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, मूवमेंट कर करके, मूवमेंट कर करके मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना, एक तरीके से एनटीए की तरह, एनटीए की तरह। देखो सारे बच्चे 16-17 लाख बच्चे नीट का
का फॉर्म भरते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी मेडिकल कॉलेज में ले लिए जाएंगे, नहीं, टेस्ट होगा आपका, नीट नाम का आपका टेस्ट होगा, फिर वहां पे बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि सारे ले लिए जाएंगे। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि वो चेक करेगी कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि ट्रांसपोर्ट जो ये है दो टाइप की हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है, पैसिव मतलब जहां पे एनर्जी का यूज नहीं होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो पैसिव मतलब बिना एनर्जी के खर्चे से इधर से उधर जाएंगे, और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज मॉलिक्यूल हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल जैसे इसका एग्जांपल डिफ्यूजन लगा लो, डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वो डिफ्यूजन में आ जाता है, ठीक है। और यहां पे एक बात की गई है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस, ये सबको पता ही होगा। और एक्टिव में मतलब एनर्जी का यूज होगा या कैरियर प्रोटीन का यूज होगा पोलर मॉलिक्यूल का, ना पोलर मॉलिक्यूल का। और कैसे, देखो यहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसी चीज का ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये डिफ्यूजन में होता है, इसमें कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता। बट अगर कोई चीज हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजनी है तो ये एक खास बात है, ये स्पेशल बात है ना, और इसमें एनर्जी का यूज होता है ना, एनर्जी का यूज होता है तभी हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज पाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, सोडियम पोटेशियम पंप, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कहां पे, सेल वॉल की तरफ। नेक्स्ट है सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे दिया हुआ है सब कवर करेंगे, ठीक है। देखो सेल वॉल के बारे में पहली लाइन लिखी हुई है कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड तो सिंपल सी बात है, सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन के काम आती है, तो रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेप टू सेल, ये सेल को शेप देती है, ये सेल की प्रोटेक्शन करती है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम आती है, और ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है, बैरियर प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल क्लियर है एनसीईआरटी की, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गी में, एल्गी की सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है कि एल्गी की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, देखो सेल्यूलोज तो होगा ही होगा क्योंकि एल्गी एक प्लांट है, और गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे यहां पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हम किस एल्गी में, ग्रीन एल्गी में कैसी, रेड में कैसी, ब्राउन में कैसी, एल्गी वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पे बात की गई है प्लांट सेल वॉल की, कि प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है। देखो प्लांट है तो सेलुलोज होगा, उसके साथ हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, ये सब होगा, ठीक है। और एनिमल्स में तो हम कर चुके हैं ना, सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट ही होती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइमरी सेल वॉल किस में होगी, यंग प्लांट में होगी, है ना। अभी प्लांट छोटा सा है, छोटा बच्चा है, तो उसमें जो शुरू में सेल वॉल बनेगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल फर्दर डिवाइड कर सकती है, फर्दर ग्रो कर सकते, ठीक है। तो ये आगे आगे जैसे 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 मैच्योरिटी होती जाएगी तो क्या बनती जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने सेल वॉल के ही टॉपिक में ये आता है मिडल लैमेला, और ये प्लाज्मोडेस्माटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, देखो ये मैंने बहुत सारी सेल ड्रॉ की हैं, ये एक सेल, 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 ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं। अब सेल के बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी, ये ब्लैक कलर में जो दिख रही है ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारी सेल मान लो यहाँ पे ऐसे पड़ी हैं, तो ये आपस में ये चिपकी सी कैसे रहती है ना, अपनी बॉडी में जहाँ भी सेल्स हैं बहुत सारी तो आपस में चिपकी सी रहती है ना, उनके बीच में एक क्या होता है, एक गोंद होता है, जैसे ये रेड कलर का है ना, ये एक तरीके से गोंद है, एक ग्लू है, और ये क्या होता है, मिडल लैमेला है ना। मिडल लैमेला क्या करता है, सेल्स को आपस में चिपकाने का काम करता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये मिडल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। मिडल लैमेला क्या करेगा, नेबरिंग सेल को आपस में चिपकाने का काम करेगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखो कई जगह पे सेल्स के बीच में क्या होता है, ये मिडल लैमेला और सेल वॉल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। कई जगह पे दो सेल्स के बीच मिडल लैमेला और सेल वॉल गायब हो जाती है, तो क्या हो जाएगा इनमें, ये एक तरीके से कनेक्शन बन जाएगा, पाइपलाइन सिस्टम सा ये कनेक्शन बन जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। और जो कुछ भी सामग्री है इधर से उधर अब इसके थ्रू जा सकती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे,
अब नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, देखो इसको सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें साफ साफ बताना चाहता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी सेल ऑर्गेनेलीज आएंगी उनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से इनके फंक्शन का लेना देना होता है। ठीक है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इनके फंक्शन का एक दूसरे से कनेक्शन है, लेना देना है, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बारी बारी से बात करेंगे, पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। देखो रेटिकुलम वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क जो कहां पे है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सी बात है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हुआ तो हो जाएगा रफ, और राइबोसोम अब्सेंट हुआ तो हो जाएगा स्मूथ। अब रफ का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ का फंक्शन क्या होता है, लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस। स्मूथ का देखो, रफ का सबको याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्मूथ का मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भूलेगा आपको, लिपिड या लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस। बिल्कुल क्लियर है, अब आगे चलते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के अंदर के स्पेस को, यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस को, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक तो वो वाला पार्ट होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोल देंगे, ल्यूमिनल। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होगा, यानी साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस क्या होता है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर दी न्यूक्लियस। ठीक है, और ये कैसी कैसी हो सकती है, फ्लैट डिस्क शेप सेक्स और सिस्टर्नी की हो सकती है, उसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, जो भी स्टैक होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये तो सारी हुई अब तक की ये फालतू की बकवास, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी अपरेटस का वो बात करते हैं कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब देखो हमें इसका ये फंक्शन तो याद रह जाता है कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इसका फंक्शन था। ठीक है, पर ये हम भूल जाते हैं कि गोल्जी अपरेटस आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोल्जी अपरेटस से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और क्या है, गोल्जी अपरेटस आर द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की साइट होती है। ठीक है, अब देखो गोल्जी बॉडी के बारे में ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो ये ब्लैक कलर में हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है। अब देखने से ही पता लग रहा है ये वाला पोर्शन इसका कैसा है, कन्वेक्स वाला है, ये वाला कन्वेक्स, और ये वाला कैसा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, कन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज। ठीक है, और ये कनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, अब देखो ये मैं याद करवा दूंगा बहुत इजी तरीके से। अब हमने क्या किया था कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इसको चीजें प्रोवाइड करेगा, सामग्री मटेरियल इसको प्रोवाइड करेगा, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को सामग्री प्रोवाइड करेगा, और गोल्जी बॉडी क्या करेगी, अपने फॉर्मिंग फेज से उस सामग्री को यहां रिसीव करेगी, और यहां क्या कर देगी, उसकी पैकेजिंग कर देगी, और यहां मैच्योरिंग फेज से उसको रिलीज कर देगी। बिल्कुल क्लियर ना, फंक्शन क्या था, पैकेजिंग था। तो पैकेजिंग किसकी करेगी, जिस भी मटेरियल की पैकेजिंग करनी है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मटेरियल आएगा और फॉर्मिंग फेज से यहां रिसीव होगा, और यहां पे हो जाएगी पैकेजिंग, और मैच्योरिंग फेज से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाम में क्या है, मैच्योर मतलब, मैच्योर मतलब ये सबसे बाद में आना चाहिए, और फॉर्मिंग मतलब यहां पे फॉर्म करेंगे चीजों को, फॉर्म मतलब पैकेजिंग करेंगे। तो इस तरीके से याद हो सकता है कि फॉर्मिंग यहां पे था और मैच्योरिंग यहां पे था।
अब देखो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कवर्ड है, अब हम चलते हैं लाइजोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो लाइजोसोम्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। देखो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने बताया था कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी होती है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। तो सिंपल सी बात है इनको छोड़ के जो भी बचेंगी वो क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। तो ऑटोमेटिक है लाइजोसोम क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये बनती कैसे है, फॉर्म्ड बाय, लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइजोसोम कैसे बनते हैं तो उसका लेना देना किससे होगा, गोल्जी अपैरेटस से होगा, ये बात याद रखनी है। लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन का लेना देना सीधा सीधा गोल्जी अपैरेटस से होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लाइजोसोम में कैसे है, देखो वेसिकल है तो वेसिकल में क्या प्रेजेंट होगा, रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइजोसोम्स के वेसिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और कौन से हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखो लाइजोसोम्स के जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये कब एक्टिव होते हैं, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइजोसोम्स के वेसिकल रिच होते हैं, किसमें रिच होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में रिच होते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। और लाइजोसोम का फंक्शन सिंपल सी बात है, ये एंजाइम है तो ये एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे किसकी, वही एंजाइम के रिलेटेड, जैसे प्रोटीएज है तो प्रोटीन की, है ना, और लाइपेज है तो लिपिड की, इस तरीके से ये डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, अब देखो हम लाइजोसोम अपना कवर कर चुके हैं, अब हम चलते हैं वैक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिर्फ ये वाले हैं, यहाँ पे जो नहीं है वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड। तो वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। देखो वैक्यूल एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड की तरह होता है ना, जो भी फालतू का कचरा कूड़ा है वो इसमें डाल दो, ये खाली स्पेस है ना सेल में, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब वैक्यूल में क्या क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि इसमें जो भी फालतू का मटेरियल है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब नॉन यूजफुल मटेरियल, सब कुछ क्या होता है वैक्यूल में। वैक्यूल एक तरीके का स्पेस होता है, ठीक है। देखो वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब सेल की टोटल वॉल्यूम का 90% ये वैक्यूल, देख लो, सोच लो आप, 90% ये ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। अब टोनोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडिएंट, मतलब क्या कहना चाहता है कि ये टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट क्या कर सकती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, मतलब क्या बोलना चाहता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट टोनोप्लास्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, किसमें प्रेजेंट होते हैं, अमीबा में होते हैं, और क्या काम करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा के अंदर होते हैं और काम क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन काम करते हैं, एक तरीके से जैसे अपनी किडनी काम करती है ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और फूड वैक्यूल सम प्रोटिस्ट में, है ना, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के ऐसे ही बता रहा हूं मैं, पूरा याद रखना है। अब अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमें क्या मिला, आगे हमें मिले माइटोकॉन्ड्रिया, भाई साहब यार ये गलती कब हुई पता ही नहीं चला मेरे को, कोई बात नहीं, हाँ आगे हमें मिले माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी, इनको छोड़ के जो भी बचे सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंपल सी बात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात हमने क्या की, मेम्ब्रेन बाउंड है, और मेम्ब्रेन भी कितनी है, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। ये रेड कलर वाली क्या है, सीधी सीधी आउटर मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक कलर वाली है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाई हुई है, ऐसे ऐसे मुड़ 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 के इनफोल्डिंग्स बनाई हुई है, ठीक है। और इन इनर मेम्ब्रेन की इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं,
हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, अब इन क्रिस्टा का फायदा क्या है, मतलब ये ऐसे मुड़ तुड़ के ऐसे क्यों ही सीधी सीधी क्यों नहीं रही? देखो तो सिंपल सी बात है, यहां पर होंगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहां पर होंगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो उन एक्टिविटीज के क्या लिए, उन एक्टिविटीज के लिए अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया। तो ये भी बिल्कुल ऐसे रेड की तरह होती तो सरफेस एरिया कम होता, तो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ऐसे इनफोल्डिंग्स बना दी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो पाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल अभी तक क्लियर है। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस बचा, ये ब्लू 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 अंदर जो है ये क्या पड़ा है, ये है मैट्रिक्स, ये अंदर वाला क्या है, ये है मैट्रिक्स। बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली लाइन लिखी है कि नंबर्स डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस कराता है ना, बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ सेल। तो सिंपल सी बात है, देखो कोई बड़ा शहर है, बड़े शहर में क्या है, लाइट ज्यादा चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए तो वहां पर पावर हाउस लाइट वाले ज्यादा होंगे। ठीक है, कोई छोटा शहर है या गाँव है वहां पर कम लाइट चाहिए तो वहां पर पावर हाउस क्या होंगे, कम होंगे। तो सिंपल सी बात वही है कि किसी सेल में अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा हो जाएंगे और कम चाहिए तो उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी शेप की बात की है, सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल इनकी शेप होती है, और इनकी ये डायमीटर लिखा हुआ है 0.221 माइक्रोमीटर और लेंथ भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखो अपनी एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली लाइन, टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। देखो दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर इनर है ना, और उनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक अपने अपने एंजाइम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी बनती है यानी एनर्जी बनती है। ठीक है, अब देखो ये जो चार पॉइंट बचे ये सेम लगभग सिमिलर पॉइंट्स कहां आएंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी आएंगे, और इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो प्रोकैरियोट सेल हम कर चुके हैं, प्रोकैरियोट सेल में क्या क्या होता था हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या करो, एक प्रोकैरियोटिक यानी एक बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब बैक्टीरियल सेल में आप याद करो क्या होता था, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इसको प्लाज्मिड से रिप्लेस कर दो, उसमें फ्री आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, और राइबोसोम कैसा होता था प्रोकैरियोट में याद करो, 70S होता था, यूकैरियोट में ऐसा होता है 80S होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या किया है, बैक्टीरियल सेल से रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल सिमिलर है ना, राइबोसोम 70S, और जैसे बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिजन, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डिवाइड बाय फिजन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है नेक्स्ट, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड, देखो सबसे पहली बात तो प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो सिंपल सी बात है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से, राइबोसोम सेंट्रियोल न्यूक्लियोलस इंक्लूजन बॉडी, मतलब प्लास्टिड यहां पे नहीं है, मतलब प्लास्टिड क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्लास्टिड एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलेंगे कि प्लास्टिड कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या है, प्लास्टिड में क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो पिगमेंट्स की वजह से कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट के बेस पे कि किस में कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है, तीन टाइप का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब बारी बारी से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट में कैसे पिगमेंट होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, क्लोरोफिल किस काम आता है, सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के बाद नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन ज़ेंथोफिल्स, ये इसमें होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड। याद रखना है ये दोनों क्या है, कलरफुल, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलर लेस प्लास्टेड है। ठीक है, अब इसमें तीन टाइप के दिए हुए हैं, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तीन, अमाइलोप्लास्ट। देखो अमाइलो, अमाइलोस किससे रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को। ठीक है, एलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स। ठीक है, मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, देखो एल्यूरो, एलोवेरा, एलोवेरा बहुत हेल्दी सा होता है, मतलब ऐसे याद रख लेना, हेल्दी मतलब उसमें प्रोटीन होता है, ऐसे याद रख लेना एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, और ये अमाइलो नाम से हो गया कार्बो
कार्बोहाइड्रेट, तो इलायो ऑटोमेटिकली फैट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये मेनली क्या है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ठीक है, और इसीलिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्लोरोप्लास्ट को। अब देखो क्लोरोप्लास्ट को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखो ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती यानी एक लीफ है। ठीक है, और लीफ के अंदर हमें पता है प्लांट की लीफ के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये ब्लू कलर का जो है ये है क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। ये एक थाइलाकोइड है, ये डिस्क सी है, एक डिस्क थाइलाकोइड, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये अगला थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड, ये भी एक थाइलाकोइड। ठीक है, और ये जो है ये भी थाइलाकोइड है। ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स है, और जो खाली स्पेस बचा ये व्हाइट कलर का जो खाली स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा है। ये क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, अब देखो अब यहां पे थाइलाकोइड जो है वो दो टाइप के हैं। देखो ये थाइलाकोइड जो एक बिल्डिंग सी में अटैच है, देखो ये थाइलाकोइड बिल्डिंग में अटैच है, और इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ग्रेना। इस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रेना। देखो ये वाले थाइलाकोइड भी बिल्डिंग में है, मतलब स्टैक्स में है ना, स्टैक्स में अरेंज है। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, ग्रेना, और ये भी एक ग्रेना, ये भी एक ग्रेना। ठीक है, थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ग्रेना, 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 ग्रेना। ठीक है, तो एक तो वो थाइलाकोइड हो गए जो ग्रेना में प्रेजेंट है, तो वो कौन से हो जाएंगे, ग्रेनल थाइलाकोइड, और दूसरे थाइलाकोइड कौन से हैं जो इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला थाइलाकोइड, इनको क्या बोल देंगे हम, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रेनल थाइलाकोइड और ये स्ट्रोमल थाइलाकोइड, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। एक बार फिर से मैं बिल्कुल जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखो ये थी एक लीफ, लीफ के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स हैं, और थाइलाकोइड्स के बाहर जो क्लोरोप्लास्ट में स्पेस बचा वो क्या है, स्ट्रोमा। और थाइलाकोइड्स क्या है, एक तो बिल्डिंग में अरेंज है और एक डायरेक्ट स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। तो ये थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, और ये थाइलाकोइड कौन से हो जाएंगे, ग्रेनल थाइलाकोइड, और जो थाइलाकोइड स्ट्रोमा में पड़े हैं डायरेक्ट वो हो जाएंगे स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपनी एनसीईआरटी में और क्या क्या दिया हुआ है। देखो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की शेप बताइए, लेंस शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, डिस्कोइड, रिबन शेप हो सकती है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी, 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ कितनी, 2 to 4 माइक्रोमीटर, और इसका नंबर भी वेरी कर सकता है। कैलेमिटोमोनास में कितना होता है, 1 per cell। ठीक है, एक सेल में एक, और ग्रीन एल्गी में कितना, 20 to 40 पर सेल हो सकता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमने किया था मेम्ब्रेन बाउंड है, और कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमीएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमीएबल। देखो सिंपल सी बात है, जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा सेंसिटिव या ज्यादा प्रोटेक्टिव लगा लो तो वो लेस परमीएबल है। ठीक है, और ये वाली चीजें जो हमने उसमें किया था माइटोकॉन्ड्रिया में किया था, मैंने क्या बोला था कि इन जगह पे ये इन चीजों में क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एक प्रोकैरियोटिक सेल या एक बैक्टीरियल सेल से रिप्लेस कर दो। स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी इनमें होता है अलग से, ठीक है, और इनका राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है इनमें, और राइबोसोम कैसा, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, कैसा, 70S है ना, यूकैरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम होता है, 80S होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइबोसोम। देखो राइबोसोम वैसे क्लियरली अपने को समझ आएगा ट्रांसलेशन, जब हम जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ना वहां पे बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना यहां पे दिया हुआ है उतना कर लेते हैं। देखो राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है, 80S होता है, जो किससे मिलकर बना है, 60S + 40S से। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बात रिमाइंड करा दूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है तो आंसर क्या होगा, 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कैसा होता है तो आंसर क्या होगा, 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कैसा होता है तो आंसर होगा, 70S। आपके सामने क्वेश्चन आया कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है तो आंसर होगा, 80S। बिल्कुल एक-एक बात क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे S है, ये S है, ये S, ये क्या है, देखो S क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है, सिंपली क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, और सिंपल करके इसको और सिंपल करके देखें तो S क्या होता है, ये इसकी डेंसिटी, राइबोसोम की डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है। देखो इसको ऐसे याद रख लेना, S S फॉर स्वेडबर्ग याद आ जाएगा, और S फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये भी याद आ गया है ना, और क्या बताता है, इसकी डेंसिटी और साइज के बारे में ये बताता है।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइटोस्केलेटन। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए इसको पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, पर यहां पे कुछ भी समझने की कोशिश मत करना क्योंकि आगे जाके अपना पूरा पूरा बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है, देखो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन, जैसे अपना स्केलेटन क्या है हड्डियों से बोन से मिलकर बना, ऐसे ही सेल का भी स्केलेटन होता है। किससे मिलकर बनता है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट इन साइटोप्लाज्म, और इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया, यहां पे समझने की कोशिश मत करो, टेंशन मत लो। अब समझने वाला पार्ट हमारा शुरू होता है अब, है ना, पूरी एक एक चीज बिल्कुल कवर होगी। देखो साइटोस्केलेटन में सबसे पहले क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट यहां पे हिट पॉइंट है कि सीलिया एंड फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, 5 स्टार लगा लो। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। देखो सीलिया क्या करेगी, मूवमेंट कॉज करेगी सराउंडिंग फ्लूड का, फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स में अपना क्या होता है, म्यूकस होती है, तो ब्रोंकियोल्स में जो सीलिया प्रेजेंट होंगी वो म्यूकस को इधर से उधर डायरेक्ट करेंगी, उनकी मूवमेंट की, है ना, फ्लूड की मूवमेंट की। और फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला सेल की मूवमेंट करेंगी, ठीक है, फर्क समझो। सीलिया क्या करेगी, सराउंडिंग फ्लूड की मूवमेंट कराएगी, और फ्लैजिला जिस सेल पे प्रेजेंट है उस सेल की मूवमेंट कराएगी। बिल्कुल क्लियरली यहां पे फर्क समझना, ठीक है। और क्या एक लाइन है, देखो फ्लैजिला लिखने में देख लो लंबा वर्ड है, सीलिया छोटा वर्ड है, तो फ्लैजिला लॉन्गर देन सीलिया, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन लिखी है, हमने बैक्टीरिया में फ्लैजिला की थी, वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट होती है यूकेरियोट्स की फ्लैजिला की, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे है बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला, है ना, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही कहां से इमर्ज होती है, बेसल बॉडी से इमर्ज होती है, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो यहां पे 9+2 की अरेंजमेंट है, 9+2 का मतलब क्या है, 9 हमारे पास डबलेट है, देखो डबलेट कैसे, 1-2 ये क्या है, 1-2 डबलेट है, और ये पूरा क्या है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारे पास क्या है, डबलेट है, और 2 क्या है हमारे पास, सिंगलेट है, और सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये वाले साइड वाले क्या हो जाएंगे अपने पास, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल जो कि डबलेट है, 9+2 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या प्रेजेंट है रेड कलर में, सेंट्रल शीथ, बिल्कुल भी याद नहीं करना, सेंटर में है तो सेंट्रल शीथ हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रल शीथ। अब ये सेंट्रल शीथ पे ये क्या है, देखो डबलेट से सेंट्रल शीथ की तरफ जो स्पोक निकल रही है ये है रेडियल स्पोक, रेडियल तो पता है ना, जैसे सन रेज निकलती है ऐसे रेडियल स्पोक है, ठीक है। अब देखो ये दो डबलेट है, ये एक डबलेट, ये दूसरा डबलेट, ये तीसरा डबलेट, ये चौथा डबलेट, ठीक है। अब ये डबलेट आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब दो डबलेट के बीच में जो ब्रिज होगा वो हो जाएगा इंटर डबलेट ब्रिज। इसमें कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम देखने से ही अपने को सारा पूरा समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या होता है, देखो ये क्या है, एक सेंट्रियोल है, सिलेंडर लाइक, ये क्या है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एक सेंट्रियोल है और ये दूसरी सेंट्रियोल है, और दो सेंट्रियोल आपस में कैसी पोजीशन पे है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बोलने जा रहा हूं कि दो सेंट्रियोल जो कि सिलेंडर लाइक है आपस में परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, तो इन दो सेंट्रियोल को मिला के क्या बोल देंगे, सेंट्रोसोम बोल देंगे, इनको मिला के क्या बोल देंगे, सेंट्रोसोम बोल देंगे, बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। अब देखो सेंट्रियोल के बारे में जो भी, देखो हमने क्या बात की कि ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, अब हम एक सेंट्रियोल को देख रहे हैं ना, ये हमने क्या किया, देखो ये सिलेंडर लाइक एक सेंट्रियोल उठाई और अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखने पे हमें क्या मिला कि सेंट्रियोल में क्या है, 9 फिब्रिल्स अटैच है, 9 फिब्रिल, देखो 1 फिब्रिल, 2 फिब्रिल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिब्रिल ऐसे लगी हुई है,
और फिब्रिल किसकी बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है, 9 फिब्रिल अटैच है, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हैं आप हब बोलते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, हब, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग जाएगा, देखने से ही पता लग रहा है, ये क्या है, रेडियल स्पोक्स, ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। तो हब यानी सेंट्रल पार्ट क्या है, फिब्रिल से अटैच है, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ईच फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है, तो देखने से ही पता लग रहा है, देखो ये क्या है, एक फिब्रिल है, ये दूसरी फिब्रिल है, तो एक फिब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है, 1 2 3 ये भी ट्रिपलेट है, 1 2 3 1 2 3, इतनी सी सिंपल सी बातें जो अपनी डायग्राम से ही कवर हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी हुई है कि सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब याद करो हमने क्या किया था, सीलिया और फ्लैजिला कहां से इमर्ज होती हैं, बेसल बॉडी से, बेसल बॉडी से, तो बेसल बॉडी किसने बनाई, सेंट्रियोल से, जहां से क्या इमर्ज होंगी, सीलिया और फ्लैजिला, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। देखो न्यूक्लियस के बारे में जो भी अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो इस सिंपल से डायग्राम से पूरा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो सिंपल सी बात है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हम कर चुके हैं, कौन सी, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात तो क्लियर है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और मेम्ब्रेन भी कितनी, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब देखो कई जगह पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो ये आपस में फ्यूज करेंगी तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है, बीच में ये क्या बच जाएगा, एक पोर बच जाएगा, एक पोर, ठीक है, ये एक पोर बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंदर क्या क्या होता है, ये क्या है, देखो अंदर क्या क्या होता है, देखो अंदर जो खाली स्पेस है, देखो जैसे सेल के खाली स्पेस को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो खाली स्पेस है उसको बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन तो हमें पता है ये आगे जाके क्या है, ये वही तो है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए अपना पड़ा हुआ है वो इसमें होगा, क्रोमेटिन में होगा। और क्या होता है यहां पे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। अब हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोलस कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट देखो क्रोमोसोम के बारे में जो भी अपनी पॉसिबल कंफ्यूजन है वो सारी इस डायग्राम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर वाली, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर पे 2 प्लेट्स ही लगी हुई है, सेंट्रोमियर के ऊपर 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, जिनको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर। यहां पे काइनेटोकोर पे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब देखो सेंट्रोमियर पे और क्या है, 2 क्रोमेटिड लगी हुई, ये एक क्रोमेटिड है पूरी और ये दूसरी क्रोमेटिड है, ठीक है, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर पे लगी हुई है, तो इनको क्या बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेंट्रोमियर, ये हमने किया था, ये क्या है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे, कि सेंट्रोमियर कहां पे प्रेजेंट होगा, इसके बेस पे हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। अब मेटा नाम से ही पता लग रहा है, मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अगर 50 मीटर है तो नीचे वाला हिस्सा भी 50 मीटर ही होगा, और सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर, मतलब
मतलब नीचे वाला, देखो नीचे वाला सब में बराबर है, नीचे वाला अगर 50 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, इसमें थोड़ा सा और बैलेंस हिल गया, नीचे वाला अगर 50 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, थोड़ा और है। और टीलोसेंट्रिक, इसकी तो मैं ट्रिक पहले भी बताता, टी फोर टीलो टी फोर टकला, मतलब नीचे वाला 50 सेंटीमीटर है और ऊपर पूरा टकला हो चुका है, देखो ये गंजा हो चुका है, पूरा टकला हो चुका है, गायब भी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो माइक्रो, माइक्रो मतलब माइन्यूट, छोटी सी, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होते हैं, माइन्यूट वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। और इन माइक्रो बॉडीज यानी इन माइन्यूट वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना खत्म हुआ, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।